फुल एंड फाइनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। वीडियो बोलता है मैं। आज हम दिखाएंगे सैलाबी आफत की तस्वीरें और दिखाएंगे कैसे देश के कई राज्यों पर आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। आपको दिखाते हैं सैलाब गंभीर तबाही की तस्वीर। महाराष्ट्र में आसमान से आफत बरस रही है। हर तरफ सैलाब का मंजर है। चंद्रपुर से लेकर गढ़चिरौली तक बुरा हाल है। चंद्रपुर के बरोरा से आई इन तस्वीरों को भी जरा देख लीजिए। भारी बारिश की वजह से पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। पानी का बहाव काफी तेज है। स्कूली बच्चे इस सैलाब के बीच ह्यूमन चेन बनाकर निकलने की कोशिश भी करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि सभी बच्चे सैलाब को सुरक्षित पार कर गए, लेकिन ऐसे सैलाब से गुजरना जान जोखिम में डालने जैसा है। सवाल ये है कि 4 दिन बीत चुके हैं, भारी बारिश हो रही है, तब भी आखिर स्कूल बंद क्यों नहीं हुए? तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरों को आप देखिए और समझिए किस तरीके से महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके जहां पर हालात बेहद खराब होते हुए दिखाई दिए, लेकिन इन तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि जो स्कूली बच्चे हैं वो किस तरीके से ह्यूमन चिन्ह बनाकर इस रास्ते को क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं। आप खुद अनुमान लगाइए कि इन्हें मालूम भी नहीं है कि आगे सड़क है, गड्ढा है या कुछ और, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर ये स्कूली बच्चे अपने घर जा रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है और लगभग पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। ऐसे हालात लगातार बने हुए इसके बावजूद भी आखिर स्कूल बंद क्यों नहीं हुआ, सवाल ये खड़ा हो रहा है।